हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर रेस्पिरेशन। ओके, बिफोर दैट इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कस्ड अबाउट द क्रैब साइकिल। ओके, और क्रैब साइकिल में हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, इन दैट NADH2 प्लस FADH2 प्रोड्यूस्ड। ओके, अब क्या होता है, वो डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट मीन्स एनर्जी करेंसी क्या है, ATP, और हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ATP की। दैट्स वाई अब होगा क्या, अब जो NADH प्लस एच पॉजिटिव है और FADH2 है, दे गेट रिड्यूस्ड। इट मीन्स वो सॉरी दे गेट ऑक्सीडाइज, दे रिलीज देयर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जब वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में, दे रिलीज एनर्जी। इज दैट क्लियर, यानी प्रोसेस समझिए। अगर आपको रिमाइंड हो तो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि जब क्लोरोफिल फोटो एनर्जी या लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेज से वापस नॉर्मल स्टेज में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी का यूटिलाइज होता है वाटर की ब्रेकडाउन में। इज दैट क्लियर। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, अंडरस्टैंड, और दूसरे से नेक्स्ट में, इस तरह वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से जब दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में पास ऑन होते हैं, दे रिलीज सम एनर्जी। उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है हाइड्रोजन आयन्स को पंप करने में। इज दैट क्लियर। उस एनर्जी को कहाँ यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन आयन्स को पंप करने में, और हाइड्रोजन आयन को पंप करने में उस एनर्जी का यूटिलाइज होता है। सो जब वो हाइड्रोजन आयन्स वापस हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांसपोर्ट होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से फॉर्मेशन होगी ATP की। इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, मेनली हमें इन चीज़ों को पॉइंट आउट करना है कि किस तरह से यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होती है, अंडरस्टैंड। ओके, तो देखिए अभी हमें यही डिस्कस करना है कि किस तरह से इसकी फॉर्मेशन हो रही है, अंडरस्टैंड। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ओके, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें ETS की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कंटिन्यू प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर एग्जांपल ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, आई होप आपको रिमाइंड है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज हाईली फोल्डेड। ओके, तो आपको इसको समझिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है। सो आई पुट हियर दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, सो दिस वन इज द इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, अंडरस्टैंड, एंड दिस फोल्ड्स, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ की है इनर मेम्ब्रेन, इज दैट क्लियर। और उसके अंदर क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जो क्रैब साइकिल होता है उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, NADH और FADH2 की। अब होता क्या है, ये जो NADH2 है वो NADH2 यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट होगा, NADH प्लस एच पॉजिटिव वो कन्वर्ट होगा NAD पॉजिटिव में। ओके, यानी क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है NADH डीहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेड डीहाइड्रोजिनेज। इज दैट क्लियर। तो अब होगा कि ये जो NADH प्लस एच पॉजिटिव है दैट कैन गेट ऑक्सीडाइज इन टू द NAD पॉजिटिव, और यहाँ पे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर। अब प्रोटॉन्स तो क्या होते हैं, देखिए कुछ टाइम के लिए यहीं पे रहेंगे बिकॉज दे आर इम्परमेबल, तो वो किसी के थ्रू जा सकते हैं, यानी कोई चैनल है जो उनको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो पहले क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं NADH के ऑक्सीडेशन से वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। इज दैट क्लियर। यानी यहाँ पे स्पेशली चार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये एंटर होंगे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, एंड फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज कंसिस्ट ऑफ FMN फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड आयरन सल्फर प्रोटीन।
इज इट क्लियर? यानी सबसे पहले समझिए इसको, जो NADH plus H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ है क्रब्स साइकिल में, वो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज हो रहा है, अंडरस्टैंड? ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज या NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सेप्ट किए जाएंगे या ओके, कौन एक्सेप्ट करेंगे इनको? इनको एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन होते हैं फ्लेमिंग मोनोन्यूक्लियोटाइड, ओके, जो एजेंट्स होते हैं वो पास ऑन करेगा आयरन सल्फर प्रोटीन को, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पास ऑन होंगे तो फेरस फेरिक स्टेज में चला जाएगा, क्लियर है? जब ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन पास ऑन करेंगे एडिशनल जो मैंने आपको एजेंट्स बताए थे, दैट इज नोन एज कोएंजाइम क्यू या दैट इज नोन एज यूबीक्विनोन, अंडरस्टैंड? दैट इज नोन एज यूबीक्विनोन। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब इलेक्ट्रॉन मूव ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी का यूटिलाइज कहाँ हो रहा है? फोर जो प्रोटॉन्स हैं उनको पंप किया जा रहा है, कहाँ से? मैट्रिक्स से। कहाँ पंप किया गया इनको? कहाँ पंप किया गया? इनर माइटोकॉन्ड्रियल, सॉरी इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, इज दैट क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूबीक्विनोन है, तो यूबीक्विन देखिए परमिएबल है यानी वो मूवमेंट कर सकता है, तो ये ट्रांसफर हो गए यूबीक्विनोन को। अब यूबीक्विनोन ने ये पास कर दिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेकंड में। देखिए वन मिनट, पहले क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पे FeS ने पास ऑन किए कोएंजाइम क्यू को, उसने पास ऑन कर दिए लेटर ऑन, ओके, यूबीक्विनोन, दैट इज कोएंजाइम क्यू इज ऑल्सो नोन एज यूबीक्विनोन, पास ऑन कर दिए। अब जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है दैट इज कंटेनिंग द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एजेंट, पहले तो देखिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? NADH2 का, ओके। सेकंड में जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, आपको याद होगा क्रैब्स साइकिल में जब सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फ्यूमेरिक एसिड में, ओके, तो यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन हो रही है? FADH2 की। अब FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर रहा है आयरन सल्फर प्रोटीन को, वो पास ऑन क्या कर रहा है? अगेन यूबीक्विनोन को, ओके। फिर ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं कहाँ पे? थर्ड कॉम्प्लेक्स में, और थर्ड कॉम्प्लेक्स किससे बना हुआ है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपका कॉम्प्लेक्स वन कंटेनिंग द FMN एंड आयरन सल्फर प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स सेकंड कंटेनिंग द FeS, साथ में आप एंजाइम का नाम भी लिख सकते हैं चाहे तो, NADH डिहाइड्रोजिनेज और ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, ओके। सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है उसमें FeS है, थर्ड कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पास ऑन हो रहे हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स को। थर्ड कॉम्प्लेक्स में पहले इलेक्ट्रॉन पास ऑन होंगे साइटोक्रोम C1 को, साइटोक्रोम C1 पास करेगा आयरन सल्फर प्रोटीन को एंड दे पास ऑन इट टू द साइटोक्रोम B, क्लियर? साइटोक्रोम B, इन दोनों का काम होता है जो एडिशनल कॉम्प्लेक्स हमारे पास है या एक एजेंट है साइटोक्रोम C उसको। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? प्रोटॉन को फिर से पंप किया जा रहा है मैट्रिक्स से, कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, अंडरस्टैंड? ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स ये पास ऑन कहाँ करेंगे? कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या है? साइटोक्रोम A3, इसमें दो कॉपर यूनिट, हीम कॉपर यूनिट्स होती हैं दो, ओके, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है पहले कॉपर यूनिट को देन साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A अगेन पासिंग टू द अनदर कॉपर यूनिट एंड देन टू द साइटोक्रोम A3, ओके। यहाँ से अब क्या हो रहा है? फिर से प्रोटॉन का पंप हो रहा है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है और प्रोटॉन्स को फिर से पंप किया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मेन जो ध्यान करने वाली बात है, देखिए लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे, और इवन क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है ऑक्सीजन। कौन है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? ऑक्सीजन, इज इट क्लियर? यानी यहाँ पे ऑक्सीजन गेट कंबाइंड विद द 2H पॉजिटिव आयन, ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है एंड फॉर्म द वाटर, इसकी फॉर्मेशन हो रही है वाटर की, तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको पूछा जाता है दैट इज ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड? ओके ओके, यहाँ पे देखिए पंप हो गए। अब होता क्या है, इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में और जो एनर्जी रिलीज हुई उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ? प्रोटॉन्स को पंप करने में। प्रोटॉन कहाँ से कहाँ पंप हुए? मैट्रिक्स से पंप हो गए इनर माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, क्लियर है? अब यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन की बहुत ज़्यादा हो गई, अंडरस्टैंड? ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गई,
और अंदर की हम बात करें तो यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन हो गई। इससे होता क्या है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। ग्रेडियंट इट मीन्स डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है। तो अब वो क्या होता है कि अब ये जो प्रोटॉन्स है इनका मूवमेंट होगा मैट्रिक्स में, बट इट इज़ इम्परमेबल। तो यहाँ पे हमें एक और कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं हमें एक चैनल की ज़रूरत है, दैट चैनल इज नोन एज एटीपी सिंथेटेज। ओके, अब ये एटीपी सिंथेटेज परमेबल है, अब ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन्स को पंप करेगा वापस बैक इनटू द मैट्रिक्स। और जब ये प्रोटॉन्स को पंप करेगा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इज दैट क्लियर। वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में यूटिलाइज हो रही है। तो देखिए एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा, एक तो कॉम्प्लेक्स सेकंड और थर्ड के बीच में होगा, कॉम्प्लेक्स फोर और फिफ्थ के बीच में होगा, अंडरस्टैंड। यानी कुल मिला के आप ये समझिए कि यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। हमारा जो मेन मोटो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो यही है कि जो NADH प्लस एच पॉजिटिव ड्यूरिंग द क्रैब साइकिल और FADH2 जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम ऑक्सीडेशन करें। ओके, उन्होंने जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज किए दे आर मूविंग थ्रू द सेवरल कॉम्प्लेक्सेस, और जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं प्रोटॉन्स को पंप करने में। ओके, और जब एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है तो उस ग्रेडियंट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जिससे प्रोड्यूस हो रहा है ATP। इज दैट क्लियर। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए 12th आपकी बुक में बहुत ईजी सा डायग्राम है, बट दैट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझने के लिए आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेज हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इज दैट क्लियर। सो हैव ए गुड डे बेटा, बाय।